गैलेक्सी रेसर्स पहला गेम, टॉक अबाउट इट, इंप्रेसिव चिकन डिनर, दैट्स गैलेक्सी रेसर्स फॉर यू। फ्लेम का ग्रेनेड ही अपने टीममेट के ऊपर आ चुका है, जो और ज्यादा खराब चीज हो चुकी है। अब रिवाइवल कर यहाँ पर किया जा जरूर रहा है, बट अगर मार्को को ये चीज पता रहती वो शायद नीचे आ सकते हैं। बट गैलेक्सी रेसर्स भी साइड से मूव कर रही है, क्या गैलेक्सी रेसर्स फाइट पर आएगी? यस दे विल। गैलेक्सी रेसर्स इस फाइट में एग्रेस करने की कोशिश कर सकते हैं, यहां से बेहतरीन किल पॉइंट्स निकाल सकते हैं। लुक एट दैट, अर्जुन ओवेस और मैक्स कैश है यहां पर, थ्रोएबल जूम की तरफ से भी अंदर की तरफ को जा रहे हैं। सर्कल के अंदर बहुत अच्छा एरिया है, अगर इसी एरिया पर गैलेक्सी रेसर्स रहती है और यहां पर फाइट निकाल लेती है, उनको अगले दो तीन जोन के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। बट अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उनको फाइट्स उठा करके फाइट्स लेनी पड़ेंगी। यहां पर मार्शल हैज बीन टेकन डाउन, एल चापो की एचपी कम है, बट लुक एट मैक्स कैश, look at Max Cash, he's being cheeky from the back lines. Meanwhile, Obez आगे हल्का सा move करने की कोशिश कर रहा है, और MJ भी एक अच्छा angle अपने hold कर चुके हैं। MJ को kill मिलता हुआ, snipers का elimination, but अभी भी ये fight खत्म नहीं हुई है। Through the smoke, वहाँ पर players takedown किए जा रहे थे, Obez को revival मिल जाएगा, और चार kills already Galaxy Racers की झोली में। Wow. M16 से एलिमिनेशन उनका देखने को मिल रहा है। सो ऑब्वियसली प्लेयर्स को यू नो जिस हिसाब से वो अपने वेपन्स का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, हर प्लेयर कुछ ना कुछ एक यूनिक काइंड ऑफ प्ले स्टाइल जरूर यहां पर दिखाते हुए नजर आ रहा है। और नब राउंड के लीडर्स में थे जरूर, बट ट्रैक द रॉक, एक ग्रेनेड एकदम से ही यू नो जज्बात यहां पर बदल गए जब प्लेयर आगे की तरफ को देख रहे थे और ग्रेनेड का इस्तेमाल करना चाहते। इट वॉज रैग्नारॉक्स ग्रेनेड जो उनको ही टेकडाउन कर गया। इवन मैं भी वही सोच रहा था, नेट इतनी लंबी प्रोजेक्टाइल तो नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं उनके उन्होंने खुद के ऊपर ही नेट कर दिया। बट फिलहाल गैलेक्सी रेसर्स के प्लेयर्स, यस दे डूइंग इट, उन्होंने दूसरा वाइप किया, दिस टाइम इट्स गोना बी इकर्दी स्पोर्ट्स। अब यहाँ पे सर्दन साइड पे होल्ड कर रहे थे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से गेटिंग कर रहे हैं। गैलेक्सी रेसर्स से इसी चीज की ही यू नो इंतजार थी हम सभी को। फिलहाल ओवेज डाउन हो चुके हैं रियल टाइगर 9 के ईगल के द्वारा। अब देखना पड़ेगा कि गैलेक्सी रेसर्स अपने आप को किस तरीके से संभालती है, संभाल भी लिया। It is of course going to be MJ who's gone for another squad wipe. Wow. Wait what? यहाँ पर Galaxy Racers ने तीन squads wipe कर दिए already, जिस हिसाब से हमें देखने को मिल रहा है fights के अंदर। कोई भी टीम यहाँ पर इस टीम के सामने आ रही है, वाइप पे वाइप देखिए, 10 किल्स गैलेक्सी रेसर के हिस्से में आ चुके हैं, डबल डिजिट किल्स ऑलरेडी ये टीम उठा चुकी है। गैलेक्सी रेसर्स इज एट अनदर लेवल। दिक्कतों में हमें देखने के लिए नजर आने वाला है, बट गैलेक्सी रेसर्स क्या ही इनका डिसीजन मेकिंग था, बेहतरीन तरीके से इतने फाइट्स निकाली है। अब बस एक बात आती है कि इसके आगे कितना ये टीम जा पाएगी। अल्फा लेजेंड्स मीनवाइल वहां पर जरूर टेक डाउन, वहां पर आप देख सकते हैं जो देखो किया गया है, बट वो प्लेयर्स भी यू नो फाइट ले सकते हैं, लेकिन है कि सर्कल के हल्का सा बाहर है। Chaos, is he spotted? क्या यहां पर उनको भी पिक किया जा सकता है? Meanwhile, Drop को देखिए काफी करीब है, और अगर Obez हल्की सी वहां पर हलचल देख लेते वो जरूर पिक करेगा, लेकिन जोली का किल भी यहां पर आ चुका है। 11वां किल Galaxy Racers के हिस्से में जाता हुआ, और Chaos सर्कल के बाहर है अभी के लिए, जोन उनको डैमेज दे रहा है। एक आखिरी फर्स्ट एड है, क्या भागेंगे या फिर यहीं पर रहना चाहेंगे? He is moving up forward for the circle. सर्कल के लिए आ तो रहे हैं, पर क्या Galaxy Racers के प्लेयर्स उनको स्पॉट कर पाएंगे? Well, either ways, दोनों ही टीम से काफी बेहतरीन खेला। Alpha Legends की स्क्वाड के पास भी 9 किल्स है, making it to the top 4, तो obviously towards the end जरूर top 3 में maintain करेंगे। Max Cash को मिलता हुआ आखिरी किल, और Chaos finally goes down, and along with that, Alpha Legends go falling at number 4th position. But Ultron, well, ये आज रुकने नहीं वाले, नबो का भी नॉक निकाल दिया, अब वेट कर रहे बस उनके ऊपर पुश करने के लिए। आई थिंक उसकी भी प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। NASR चाहे जितने स्मोक्स डाल दे, आज ये गैलेक्सी रेसर्स नहीं रुकने वाली। टॉप 5 की हम बात कर रहे थे इनके थ्रू, जो हम रॉक एंड रोल गेम प्ले की बात कर रहे थे, शुरुआत थोड़ी सी स्लो थी, बट उसके बाद जो फाइट्स थी इन्होंने सारी फाइट्स में अग्रसर थी ये स्क्वाड। गैलेक्सी रेसर्स 13 किल्स, NASR 8 किल्स और साइट्स 1 किल के साथ टॉप 3 टीम हमारे पास यहां पर है पहले ही गेम की, और अब देखते हैं कि क्या यहां पर ये टीम अपना गेम बना पाएगी। सर्कल का जो एज है वो इनके हिस्से में आता है, NASR जोन के बाहर है, साइट्स के एक प्लेयर जोन के साथ है, बाकी दो प्लेयर जोन के बाहर है, बट गैलेक्सी रेसर्स को जो हल्का सा रेज है, माइनर रिज है, इनको बहुत ज्यादा फायदा देता है, बहुत ज्यादा फायदा देता है। क्या ये यहां से जो हमने देखा था लीग डेज के अंदर सेकंड पोजीशन आईजीस टीम, क्या यहां से हमें चिकन डिनर देखने को मिलेगा गैलेक्सी रेसर्स का, वो एक सवाल है। मीनवाइल मिरेकल
रजूर को डाउन करते हैं और पिक करने की यहाँ पर कोशिश रहेगी, बट साइड के बाकी प्लेयर्स के ऊपर नवो वहां पर एक प्लेयर को डाउन करते हैं, रोज यहाँ पर नवो को डाउन करते हैं और ये जो ट्रेड्स दिए जा रहे हैं इसके अंदर फायदा तो एडिट गैलेक्सी रेसर्स का ही देखने को मिलने वाला है। जी हाँ बिल्कुल, और घूस जिस तरीके से प्रेशर बनाए रखे हैं, एनएसआर के प्लेयर्स भी काफी सारी दिक्कतों में फंस चुके हैं, गैलेक्सी रेसर्स अभी भी यू नो सही वक्त का इंतजार कर रही है, जब वक्त मिलेगा इंस्टेंट पुश इन उनके तरफ से देखने को मिलेगा। ऑलरेडी आप देख सकते हैं अल्ट्रॉन ने साइडलाइन से एक नॉक ले लिया, एमजे फॉलोज इट अप, अब ये सारे किल्स अपने नाम पे जरूर करना चाहेंगे टीम गैलेक्सी रेसर्स के प्लेयर्स। दिस इज द मोमेंट जहां पे टीम गैलेक्सी रेसर्स नीड्स टू कैपिटलाइज, और नॉक्स निकल रहे, बतीका को भी डाउन कर दिया एमजे की तरफ से, कुक होता एक शानदार ग्रेनेड, क्या ये कनेक्ट करेगा ओशन, यस इट डज एंड दे टेक इट विद स्टाइल, गैलेक्सी रेसर्स वेल वापस आ चुके हैं। गैलेक्सी रेसर्स पहला गेम, टॉक अबाउट इट, इंप्रेसिव चिकन डिनर, दैट्स गैलेक्सी रेसर्स फॉर यू। जो भी सवाल थे, जो भी बातें थी, गैलेक्सी रेसर्स आंसर्स देम परफेक्टली, अमेजिंग किल नंबर्स, प्लेसमेंट पॉइंट्स, everything